मैंने अपने चैनल पर जब से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की वीडियोस डालना स्टार्ट किया है तभी से एक प्रोजेक्ट की डिमांड हमेशा से आती रही है, जो है देहरादून पोंटासाई 4 लेन प्रोजेक्ट। कभी मौका ही नहीं लगता था इस प्रोजेक्ट को कवर करने का। इस साल के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा पार्ट कवर किया था इस प्रोजेक्ट का, लेकिन वो वीडियो नहीं आई थी। लेकिन इस बार मैंने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, ऑल थैंक्स टू दून वॉकिंग, जिनकी गाइडेंस की मदद से मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कवर कर पाया हूँ। देहरादून से पोंटा साहिब जाने के लिए मेनली एक ही रूट है, नेशनल हाईवे 7। दूसरा ऑप्शन है चक्राता रोड। NHAI के द्वारा नेशनल हाईवे 7 को 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये रूट है 2 लेन का। इस प्रोजेक्ट की लेंथ है तकरीबन 45 किलोमीटर। किलोमीटर वाइज इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है पोंटा साहिब की तरफ से, एंडिंग होती है इस प्रोजेक्ट की प्रेम नगर में जाके IMA से थोड़ा पहले। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2 पैकेजेस में किया जा रहा है। पैकेज 2 है मेनली ग्रीनफील्ड और पैकेज 1 है मेनली ब्राउनफील्ड। वीडियो की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं देहरादून की तरफ से, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके जी, राइट नाउ मैं हूँ चक्राता रोड के ऊपर। अभी मैं क्रॉस करके जा रहा हूँ IMA के सामने से। इस एरिया में तो शायद ही आपको वाइडनिंग का काम देखने को मिले, लेकिन आप जैसे ही यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ोगे यानी प्रेम नगर की तरफ, तो इस वाले एरिया में आपको वाइडनिंग का काम फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अभी तो यहाँ पर भी काम नहीं चल रहा है वाइडनिंग का। ये है वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से स्टार्टिंग होती है इस प्रोजेक्ट के ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट की। जो लोग देहरादून से हैं या किसी ने कभी चक्राता रोड के ऊपर ड्राइव की होगी तो उसको इस कर्व के बारे में पता होगा। जी हाँ, इसी कर्व से स्टार्टिंग होती है इस प्रोजेक्ट के ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट की। तो ये है वो कर्व जिसकी मैं बात इतनी देर से आप लोगों से कर रहा था। इस कर्व के पास में 4 पियर्स की फाउंडेशन का काम हो गया है। फ्यूचर में यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट कैसे होने वाली है ये मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इस प्रोजेक्ट की। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने पर स्टार्टिंग में अभी कोई खास काम नहीं हुआ है। लेकिन आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये VUP रेडी हो चुका है और आगे की साइड में अप्रोच रोड का काम किया जा रहा है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर रोड लेन का काम हो चुका है। यहाँ पर बनाया जाएगा राउंड अबाउट, क्योंकि यहाँ से राइट साइड में निकलेगा जो मसूरी के लिए जो बाईपास बनाया जाएगा वो। जब उस नए बाईपास का काम स्टार्ट होगा तो मैं आपको उसकी भी अपडेट देना स्टार्ट करूंगा। यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो आपको नजर आएगा इस साइड में भी रोड लेइंग हो चुकी है। और सामने की तरफ बनाया जा रहा है दूसरा राउंड अबाउट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आके कनेक्ट होगा वो लिंक एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करेगा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में। चलो आपको मैप की मदद से समझाता हूँ थोड़ा सा रूट। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस पॉइंट पर एंड होगा देहरादून के स्टार्टिंग में, वहीं से निकलेगा एक लिंक एक्सप्रेसवे जो जाके कनेक्ट होगा देहरादून पोंटासाई 4 लेन प्रोजेक्ट में। तो ये है वो राउंड अबाउट जहां पर आकर कनेक्ट होगा वो नया लिंक एक्सप्रेसवे। इस नए लिंक एक्सप्रेसवे का काम अभी एकदम इनिशियल फेज में है। चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने देहरादून पोंटासाई प्रोजेक्ट पर। इस राउंड अबाउट से जैसे ही आप थोड़ा आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ पैचेस में रोड लेइंग हो चुकी है।
ये एक छोटा सा पैच आ जाता है जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। आगे की तरफ अप्रोच चोड़ का काम चालू है, लाइट व्यू भी तो रेडी हो चुका है। अप्रोच रोड के बाद ये वापस से एक पैच आ जाता है जहां पर रोड लेइंग हो चुकी है। सामने की तरफ वहां पर है रिवर क्रॉसिंग। तो ये था वो पैच जहां से मैं अभी ड्राइव करके आया हूं। आगे की साइड में ये यहां स्मॉल व्यू भी रेडी हो चुका है और रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है वहां पर राइट साइड के स्पैंस में ही अभी डेक स्लैब का काम बाकी है। लेफ्ट साइड के जो स्पैंस हैं उन सब में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। रिवर क्रॉस करने के बाद में अर्थवर्क का काम भी पूरा किया जाना है। और ये हम पहुंच गए शिवालिक कॉलेज के पास में। यहाँ रोड क्रॉसिंग के ऊपर डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है दोनों तरफ, अप्रोच रोड का काम बाकी है। वैसे इस साइड के अप्रोच रोड के ऊपर काफी अच्छी प्रोग्रेस है क्योंकि अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है दोनों साइड में और बीच में क्रैश बैरियर्स रेडी हो चुके हैं और कहीं कहीं पर रोड लेइंग का काम भी हो चुका है। अब मैं आ चुका हूं आगे की साइड में, पीछे की तरफ वो रहा कॉलेज। आगे की तरफ आने के बाद यहाँ रिवर क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज रेडी हो गया है। ब्रिज से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा दोनों साइड में रोड लेइंग हो चुकी है। अब ये एक पैच आ जाता है जहां पर अर्थवर्क पूरा होना है, जो बीच में स्ट्रक्चर्स का काम किया जाना है वो तो पूरा हो चुका है। ये आ जाती है एक और रिवर क्रॉसिंग, यहां पर भी ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। यहां पर जो ब्रिज होगा उसके लिए गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है। इस ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर आपको काफी वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी। ये है एक और वाटर क्रॉसिंग जहां पर दोनों तरफ के ब्रिज रेडी हो गए। और अब ये एक काफी लंबा पैच है जहां पर दोनों तरफ रोड लेइंग का काम पूरा कर दिया गया है। ये था वो पीछे का एरिया जहां पर हो चुकी है रोड लेइंग। आगे की तरफ आने के बाद यहां पर काम किया जा रहा है फ्लाईओवर की अप्रोच रोड का। ये फ्लाईओवर बनाया गया है एक लोकल रोड के ऊपर। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड का काम भी काफी किया जाना है। अप्रोच रोड के बाद आपको छोटे छोटे पैचेस में रोड लेइंग का काम पूरा नजर आएगा। और ये हम पहुंच गए ग्रीनफील्ड सेक्शन के एंडिंग में। यहां पर बनाया जाएगा राउंड अबाउट। अब यहां से स्टार्टिंग हो जाती है पैकेज वन की, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड। और पैकेज टू के ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। पैकेज वन रहने वाला है मेनली ब्राउनफील्ड अपग्रेड। यहां पर पुराने रूट को 2 लेन से अपग्रेड करके 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके लिए आप यहां देख सकते हो राइट साइड के अंडरपास रेडी हो चुके हैं। आगे की तरफ भी काम चालू है अंडरपास और अप्रोच रोड का।
ब्राउनफील्ड सेक्शन की प्रोग्रेस आपको इस एंगल से अच्छे से नजर आएगी। ब्राउनफील्ड सेक्शन में आपको नजर आएगा कहीं पर व्यू पी राइट साइड के ही रेडी हुए हैं और कहीं पर लेफ्ट साइड के। कहीं पर दोनों तरफ की लेन का काम ही किया जाना है और कहीं पर दोनों तरफ की लेन रेडी हो गई है। ब्राउनफील्ड सेक्शन में मिक्स प्रोग्रेस है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगा तो दोनों पैकेजेस की अलग अलग प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा। इस बार मैं इस प्रोजेक्ट को पहली बार कवर कर रहा हूं, इसीलिए पूरे प्रोजेक्ट की एक ही वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं पहुंच गया हूं उस पॉइंट पर जहां पर आकर कनेक्ट होती है इस अलाइनमेंट के साथ में सहारनपुर रोड। सहारनपुर रोड के कनेक्टिंग पॉइंट से पहले ये है वो पीछे का एरिया जहां से मैं अभी ड्राइव करके आया हूं। ये एक छोटा सा पैच आ जाता है जो ग्रीनफील्ड है। यहां आकर कनेक्ट होती है लेफ्ट साइड से सहारनपुर रोड। इस पॉइंट पर काम काफी बाकी है, लेकिन यहां से जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक छोटा सा पैच है जहां पर दोनों तरफ रोड लेइंग हो चुकी है। यहां पर बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट का टोल प्लाजा। इस एरिया में अभी ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है। टोल प्लाजा से आगे की तरफ जब तक इस रोड के साइड में कैनाल नहीं आती है उससे पहले तक कुछ पैचेस और हैं जहां पर रोड लेन का काम कर दिया गया है। ये हम पहुंच गए उस पॉइंट पर जहां पर इस रोड के राइट साइड में आ जाती है कैनाल। यहाँ लेफ्ट साइड की जो लेन होने वाली है वो ग्रीनफील्ड रहने वाली है जिसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। राइट साइड की लेन के लिए पुरानी रोड को ही यूज किया जाएगा। यहाँ ब्रिज का काम पूरा किया जाना है और सामने की तरफ आ जाता है यहां पर पावर हाउस। पावर हाउस के पास में लेफ्ट साइड की लेन के लिए क्लियरिंग का काम किया जा रहा है। आगे की तरफ आने के बाद दोनों तरफ की लेन हो जाती है ग्रीनफील्ड। और यहां से ये नया अलाइनमेंट पहले कैनाल को फिर यमुना रिवर को क्रॉस करके जाएगा। रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसके ऑलमोस्ट सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। अभी यहां पर काम किया जा रहा है गर्डर लॉन्चिंग का और कुछ स्पेन में डेक स्लैब का काम भी पूरा कर दिया गया है।
यमुना रिवर क्रॉस करने के बाद में आपको ज्यादा प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी, बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स का काम तो किया जा रहा है। और ये हम पहुंच गए प्रोजेक्ट के एंडिंग लोकेशन पर। टेक्निकली तो ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पर अभी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस देखें तो मेन और मेजर स्ट्रक्चर्स काफी हद तक रेडी हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग में काम इनिशियल फेज में है, और जहां पर रोड लेइंग का काम हुआ है वहां पर कहीं कहीं पर सर्विस रोड भी आनी है, जिसकी प्रोग्रेस काफी कम है। बचे हुए काम और अभी तक की वर्क प्रोग्रेस को देखकर यही उम्मीद की जा रही है, अगर ये प्रोजेक्ट रेडी होता है तो 2026 के मिड तक ही रेडी हो पाएगा। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कब तक रेडी हो पाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बस आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।